Hey everybody, welcome to Nidhiman classes, and this particular video is about blood groups. So blood groups, kaun kaun se different types ke blood group human beings mein hote hain, I am going to explain about it. Pehla jo blood group sabse important hota hai, wo hota hai ABO blood group. Ab ABO blood group ki discovery kisne ki thi? Second cheez hai ki ABO blood group mein antigen aur antibody kya hote hain. उसके बाद आता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी ब्लड ग्रुप से ब्लड क्यों नहीं लेता. लैब में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दीज डिफरेंट टॉपिक्स. सो लेट मी स्टार्ट विद हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप. सो ही वॉज कार्ल लैंडस्टीनर. कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी एबीओ ब्लड ग्रुप की. और जो एबी ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी करने वाले थे डी कैस्टेलो एंड स्टीनी. अब जो ये कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने बताया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर चार डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. ये फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहते हैं. अब क्या सबसे पहले आप दो टर्म इम्पोर्टेंट है, जीन क्या होता है और एलील क्या होता है. तो जो जीन है, जैसे कोई पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड न्यूक्लियस बाय दिस. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अब जो ये क्रोमोसोम है, अगर हम उसके सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन को देखें, पूरा जो क्रोमोसोम है वो किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है. अब इसका जो, अगर हम बात करें डीएनए देन इट इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम जीन की बात करें देन इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो पहले क्रोमोसोम आता है, फिर डीएनए आता है. डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये मैं जेनेटिक्स वाले टॉपिक में, जहां पर ये एक्सप्लेन किया जाएगा जीन क्या होता है प्रॉपर तरीके से, यहां पर थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि जीन और एलील होते क्या हैं. तो अगर हम एक सेगमेंट देखते हैं डीएनए का, देन दैट इज कॉल्ड जीन. अब जो जीन है वो वहां पर जो डीएनए का एक सेगमेंट है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है. और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि अगर हम, मेरा आई कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक क्यों है, क्योंकि एक तरीके का प्रोटीन मेरी बॉडी में रिलीज कर रही है जीन, और उस वजह से मेरा जो कलर है आई का वो ब्लैक हो गया है. किसी का ब्लू होता है, वो उस तरीके का प्रोटीन ये जीन रिलीज करती है, बनाती है. तो ये जो फिनोटाइप होते हैं, जैसे ये क्या है, मेरा एक फिनोटाइप है कि आई का कलर ब्लैक है, सो दिस इज फिनोटाइप. तो ये फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है जीन बाय दी हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स. सिंपल, जीन क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया. अब क्या होता है, एलील क्या होता है. हम क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन बीइंग्स क्या है, डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि दो कॉपीज एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में. वैसे जैसे अगर हम हैप्लॉयड की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक कॉपी होती है. दो कॉपी क्यों होती है, एक कॉपी, जैसे दो पैरेंट है मेल एंड फीमेल, तो मदर और फादर से एक कॉपी आती है, मदर से एक कॉपी आती है फादर से, तो ये दो कॉपी होती है क्रोमोसोम की. ठीक है, इस वजह से ही हमारे क्या है 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि 23 जो है वो फीमेल से आए हैं, मदर से आए हैं, और 23 किससे आए हैं, फादर से आए हैं. अब ये जो, अगर हम ये बात करें कि एलील्स क्या होते हैं, तो एक पर्टिकुलर जीन जो है मेल से आई है, मदर से आई है और फादर से आई है, एक पर्टिकुलर जीन. तो यहां पर क्या हो गया, दो कॉपीज हो गई एक जीन की. अब ये जो दो कॉपीज होती हैं एक पर्टिकुलर जीन की, उसको कहते हैं एलील्स. सिंपल, कि एलील्स क्या होती हैं, कॉपी होती हैं जीन्स की, और जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहती हैं. ठीक, सिंपल. अब जो ये, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि एबीओ ब्लड ग्रुप में एक पर्टिकुलर जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है जीन आई. जीन आई का जो दूसरा अगर हम नाम कहें तो वो होता है एग्लूटिन, आइसो एग्लूटिन. ठीक है, ये याद कर लेना, वर्ड थोड़ा ट्रिकी है लेकिन याद तो करना पड़ेगा. आइसो एग्लूटिन जो है उसकी तीन एलील होती हैं. कौन कौन सी एलील होती हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ.
ये जो आई ए आई बी आई ओ है, अब ये जो मैंने बताया कि आपको कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और वो उस तरीके के एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन की मैं बात कर रही हूँ, प्रोटीन जो है वो पर्टिकुलर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेट मतलब जो, जैसे फिनोटाइप हो गया आई कलर, जो भी हमारी स्किन कलर होता है, हमारा हेयर कैसा है, तो वो सारे तरीके के फिनोटाइप है। तो वैसे ही ये जो आई ए है, जो ये एलील है, वो क्या बनाएगी, ए एंटीजन को बना देगी, और जो आई बी है वो बी एंटीजन को फॉर्म करेगी। अब जो ये आई, ये जो एंटीजन है, वो जो हमारा ब्लड होता है उसमें कॉर्पसल्स होते हैं, कॉर्पसल्स कुछ सेल्स होते हैं और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो हमारा जो फ्लूड है, बॉडी फ्लूड है, उसमें आरबीसी सेल्स मिलती हैं, कॉर्पसल्स मिलती हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो इन आरबीसी के ऊपर रिप्रेजेंट होती है, इन आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहता है, और जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है और कॉर्पसल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर दो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है बॉडी, जो ब्लड फ्लूड होता है, जो फ्लूड होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो सेल्स होती हैं उनको ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, अलग अलग तरीके की सेल होती हैं, वो मैं इन डिटेल बाद में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। अब यहां तक ये समझिए कि जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, सिंपल। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी क्या है, कोई भी अगर पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से हम किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, तो ये जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है वो इन फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। और एंटीजन हमारा खुद का होता है और उसकी वजह से कोई इम्यून रिएक्शन नहीं प्रेजेंट होता। अब जो WBC होती हैं वो एंटीबॉडी को फॉर्म करती हैं और हमें दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि हम अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो वो क्या उसका मेन मकसद है, वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बना रही है। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का कुछ अमाउंट बन जाएगा तो अगर वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटीबॉडी उसके ऊपर जाकर अटैक कर देगी और किल कर देगी वायरस को। तो ये सिंपल है कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, और ये यहां पर कौन सी एंटीजन की बात हम कर रहे हैं वो देखते हैं। अब जैसे डिफरेंट चार ब्लड ग्रुप है, AB एंड O। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, ये आपको भी समझ नहीं आएगा जब जेनेटिक्स में बताऊंगी, तो जीनोटाइप यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा। आप ये देख लीजिए कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है वो इस जीनोटाइप से और इस जीनोटाइप दोनों से क्या होगा, फॉर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आई ओ वाला जो है वो रिसेसिव केस होता है और ये होता है डोमिनेंट वाला। तो ये अभी थोड़ा ट्रिकी है, वो जेनेटिक्स में क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि एंटीजन आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है अगर कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो वहां पर एंटीजन प्रेजेंट होता है ए, अगर बी ब्लड ग्रुप है वहां पर एंटीजन प्रेजेंट होता है बी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है कोई एंटीजन मतलब एब्सेंट रहते हैं, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो अगर ए एंटीजन है तो ए अगर एंटीबॉडी होगी तो क्या हो जाएगा, अगर कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी की हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होता है, जम जाता है, जैसे एक लॉक एंड की वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे यहां पर ऐसे तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है एंटीजन का, एंटीबॉडी है और ये आकर इसमें लॉक हो जाएंगे। अगर ये लॉक हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, एक तरीके का ब्लड जम जाता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और ए ही एंटीबॉडी हो जाए तो वो ब्लड जम जाएगा, तो यहां पर क्या होता है कि बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और यही कारण होता है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो बी ब्लड ग्रुप को ना तो ब्लड दे सकता है ना उसे ले सकता है, क्योंकि इनमें अलग अलग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। और अगर जैसे ए, मेरा ए ब्लड ग्रुप है, मैं ब्लड दे रही हूं किसी पर्सन को जिसका बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो ब्लड के साथ उसकी बॉडी में चल जाएगी, तो मेरे ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है, और अगर वो उसमें चली गई तो उसके में ए बी एंटीजन है
और बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी मेरे से गई है तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। इस वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें बहुत ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि आप कौन सा ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ओ वाला क्या होता है, वो सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। एबी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब ये जो एबी वाला होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है, ये लॉजिक देखिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर मेरा एबी ब्लड ग्रुप है तो मैं बी से अगर ब्लड लूंगी तो मेरे अंदर कौन सी कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा कोई इम्यून का रिएक्शन नहीं होगा और वहां से क्या होगा, मेरे बॉडी में ब्लड आ जाएगा। अगर ओ वाले की बात करते हैं तो ओ वाले में क्या है, एंटीबॉडी दोनों होती है, ठीक है, और एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक। इस वजह से जो इम्यून का रिएक्शन है वो नहीं हो पाता है और इस वजह से एग्लूटिनेशन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि वो सभी को ब्लड ग्रुप ब्लड दे देता है, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी क्योंकि वो सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है, सिंपल। उसके बाद देखते हैं कि जो एंटी सीरम ए है और एंटी सीरम बी है, जो आप अगर लैब में आपने कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया होगा, क्या होता है कुछ वायल्स होती हैं, कुछ ऐसी वायल्स होती हैं, उसमें ये एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी आता है और कभी कभी ये पहचानने के लिए इसको ब्लू कलर दे देते हैं और इसको येल्लो कलर दे देते हैं, ठीक। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक स्लाइड ले लीजिए अपना ब्लड, खुद ही हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो खुद ही निकाला था और वो ब्लड जो है वो स्लाइड के ऊपर रखी है, ठीक है। जैसे एक ड्रॉप रख दिया आपने, जैसे ये एक स्लाइड है, सपोज ये एक स्लाइड है, उसके ऊपर यहां पर दो सेक्शन बना लिया और यहां पर एक डॉट और यहां पर एक ब्लड की ड्रॉप, ठीक है। अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो ये एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी क्या होता है, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी होता है ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी। अगर मेरा ब्लड जो है वो ए है तो मेरे में कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, और अगर मैं ए ही एंटीबॉडी अपनी बॉडी में डाल रही हूं तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि सपोज करिए कि आपका जो जो एंटीजन है वो क्या होगा, एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। तो उस वजह से ये होता है एग्लूटिनेशन। और नॉन एग्लूटिनेशन किस केस में होता है, ओ में। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर दोनों ही एंटीबॉडी डाल रहे हैं और दोनों ही क्या एब्सेंट है, एंटीबॉडी जो है यहाँ जो एंटीजन है वो एब्सेंट है, तो इस वजह से कोई एग्लूटिनेशन नहीं होता है, सिंपल। तो ये हो गया यहां पर ए एंटीजन ए और एंटी सीरम ए यहां पर डाला, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर एंटीजन ही नहीं है। यहां पर अगर हम बी एंटीजन एंटी बी सीरम भी डालेंगे यहां पर, ये मतलब क्या होता है, ये है एंटीबॉडीज, अगर हम ये भी डालते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, तो अगर एंटीबॉडी बाहर से आ रही है और एंटीजन है नहीं तो वो अटैच किससे होगा, एग्लूटिनेशन एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटी बी अगर हम डालते हैं तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, दूसरा क्योंकि उसमें पहले से ही बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ब्लड में, और अगर हम एंटी ए सीरम डालते हैं तो वहां पर रिएक्शन होगा क्योंकि वहां पर ए एंटीजन पहले से पर्सन में है और बाहर से ए एंटीबॉडी को डाल रहे हैं तो वहां पर एग्लूटिनेशन हो जाएगा क्योंकि वहां पर जो एंटीजन है वो कंबाइन हो जाएगा एंटीबॉडी के साथ और एक तरीके से ब्लड जमने लगेगा, ठीक। तो ये बहुत सिंपल तरीका है ब्लड ग्रुप आपका फाइंड आउट करने के लिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लैब में। तो ये पूरा मैंने टॉपिक आपको कवर कर दिया ए बी ओ ब्लड ग्रुप का। तो मैंने क्या क्या चीज, मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि कौन कौन से चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1900 में की थी। तो ये कुछ एमसीक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन कि कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ और कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवरी की थी और ये सब चीजें। अब जो जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, उसके बाद आई ए आई बी आई ओ जो एंटीजन होते हैं वो,
कैसे फॉर्म होते हैं, जीन क्या रोल प्ले करता है, उसके बाद आता है कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, क्यों हम ए ब्लड ग्रुप जो है जो ब्लड है वो बी में क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यों ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन से हमारा मतलब है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड का डाला, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि आप आपका ब्लड कौन सा है, तो आप डिफरेंट तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन से तरीके से आप ब्लड को फाइंड आउट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। तो ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है ब्लड ग्रुप के, कुछ जो ये सबसे कॉमन है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सभी में मोस्टली प्रेजेंट रहता है, कुछ में कुछ अलग तरीके के आर एच जो वो अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी तरीके के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।